एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। बेटा कंप्यूटर ऑन करना। और कैसे हैं सब? कुछ सब बताइएगा। वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी हो गई थी तो उसमें गाना बज रहा था बाहर ही बहुत तेज तेज। तो बस मैं आपसे यही पूछ रही थी कैसे हो, क्या कर रहे हो। मैं आज व्लॉग जो है काफ़ी दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ तो बहुत सोच रही थी और आज आपको बहुत एक खुशखबरी देनी है जो चलो मैं अभी देती हूँ आपको। थोड़ा सा कंप्यूटर पर काम था इसीलिए बेटे को बोला है मैंने, कह के कंप्यूटर ऑन कर दें, पर चलो अभी बेटा ये कर रहा है तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले आपका वेलकम कर लेती हूँ फिर मैं वो काम कंप्लीट करती हूँ। तो चलिए फिर आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो रेसिपी बना रही हूँ उसकी ये सामग्री है टमाटर प्याज काजू और पनीर। तो ये इसकी ग्रेवी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ऑयल डाला है क्योंकि इन्हें डीप फ्राई करना है बहुत चीज़ों को, तो इसलिए इन्होंने ऑयल डाला है। ये जो मैं आपको रेसिपी की क्लिप दे रही हूँ ये मतलब संडे की है। नहीं, बीच में जब उनकी तबीयत ख़राब थी जब छुट्टी की थी ना ये तब की है, तो उस दिन से मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पाई थी। तो सो मैंने सोचा कि चलो आज मैं कुछ खास बना तो नहीं रही हूँ तो मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको बुरा लगा हो तो। तो यहाँ पे इन्होंने पहले काजुओं को डीप फ्राई कर दिया था मतलब थोड़ा सा, और फिर उसमें है ना मतलब तेल इन्होंने निकाल दिया था बाद में थोड़ा सा। फिर इन्होंने प्याज डाला थोड़ी देर, मतलब मैं ही डाल रही हूँ तो, और थोड़ी देर चलाया फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिया और फिर इसमें मैंने 2 से 3 है ना सूखी लाल मिर्च डाल दी है और नमक डाल के और बस इसे ना कवर करके रख दिया था। और जैसे ही थोड़ी देर मतलब हुआ तो ये टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल चुके थे और प्याज भी बहुत अच्छे से हो गई थी। फिर हमने इसको ठंडा करने के बाद देखिए ये जो मिक्सी में लगाया है ना तो इसे ठंडा कर लिया था और फिर इसे एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लिया था। बिल्कुल दरदरा नहीं रखना है, बिल्कुल क्रीम जैसा पेस्ट बनाना है। तो बहुत अच्छे से इसे ग्राइंड करा है हमने जैसे कुछ भी इसमें लम्स ना रहे। तो देखिए छू के ये दिखा रहे हैं ना, और यहाँ पे है ना बहुत गर्मी लग रही थी। रसोई में काम करना सच में है ना इस जंग के तरह है। तो बस मैं इनकी हवा कर रही थी और मैंने कहा मैं अपनी भी कर रही थी क्योंकि यहाँ खड़े खड़े पसीने छूट रहे थे। तो हम बातें कर रहे थे कुछ और मैं इनकी हवा कर रही थी तो उसी बात पे मैंने कहा पता नहीं कोई बात हो रही थी मुझे ध्यान नहीं है, पर वो पुराने दिन याद आ गए जो जैसे वो पहले नहीं हुआ करते थे कि जब आदमी लोग खाना खाया करते थे तो जो लेडीज़ होती थी वो उनको पंखा झलती थी। कुछ इसी तरीका का हो रहा है, ये काम कर रहे थे, ये कह रहे मैं काम कर रहा हूँ ना तो तू मेरे को कम से कम पंखा तो कर ही दे। तो मैंने कहा बताओ जब हम काम करते तो हमें कौन पंखा करता है, कोई भी नहीं ना, तो क्या कर सकते हैं। तो ये मसाले अब इसमें ऐड करने, इलायची है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च और हल्दी है। तो अभी हम करेंगे, बस मैं आपको पहले ही दिखा दिया है। तो फिर मैंने वही कढ़ाई धोकर दोबारा ले ली है और इसमें डाला है बटर और थोड़ा सा ऑयल क्योंकि बटर खाली जल जाता है। सो इन्होंने बटर लिया है तो ये आपको अभी तक लग गया होगा क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं बटर पनीर। सो इन्होंने काफ़ी सारा बटर लिया है और फिर उसमें पहले इलायची डाली, इलायची होने के बाद थोड़ा सा टोस्ट कर लिया था उसको और फिर उसमें ये सारे मसाले ऐड कर दिए थे और बस अच्छे से चलाया जिससे मसाले जले ना। और फिर इसके अंदर थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को इन्होंने रगड़ के अच्छे से डाल दिया है और बढ़िया तरीके से चलाया है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। मतलब जो डलता है वो उसमें तो आती ही है पर मक्खन के साथ जो भून रही थी ना तो बहुत अच्छी आ रही थी। और ये है वो सारा पेस्ट जो हमने फिर इसके अंदर डाल दिया है जब मसाले थोड़े से पक गए थे उसके बाद ये हमने जो पेस्ट बना था वो सारा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। बहुत ही यमी सी रेसिपी है ये और बहुत टेस्टी एंड डिलीशियस लगी थी। और इसे हमने धीमी आंच पे पकाया, थोड़ा अगर आपको गाढ़ा लगे ना तो तभी थोड़ा पानी ऐड कर देना। हम मैंने भी किया था आधा गिलास। अब क्या डालेंगे? तो अब देखिए जब ये बहुत अच्छे से लाल हो गई थी मतलब ऑयल ऊपर आ गया था इसका, तो हमने इसमें पनीर ऐड कर दिए हैं। बिल्कुल बढ़िया तरीके से पनीर ऐड कर दिया है देखिए। और इसको बस अब हम कम ही पकाना है इसे, बस अब हम 5 मिनट और पकाएंगे जिससे पनीर के अंदर भी जो है ग्रेवी इसके अंदर समा जाए। और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, यमी बनी थी, तो खा के ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है।
तो ये शाम का टाइम है और अब मैं आपको शाम को ही मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये दाल साफ़ करी थी, आज मैं जो शाम में बनाऊँगी वो ये अरहर और मसूर की दाल को मिक्स करके बनाऊँगी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये दोनों मिक्स करके ही मैं बनाऊँगी और बस दाल को मैं साफ़ ही कर रही थी, क्योंकि पता नहीं अब के बार है ना, मतलब पैकेट के लेके आए हैं, खुली लेके आए थे, तो इनको बहुत साफ़ करना पड़ता है, तो इसे हमेशा हमें देखना ही पड़ता है, चाहे वो चावल हो या दाल हो। पहले जो हम पैकेट के लेके आते थे बिग बाज़ार से, उसको हमें बिल्कुल भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और गर्मी के टाइम पर ना, मेरे घर में ना सब्ज़ी शाम के टाइम पर कोई नहीं खाता है, बनाओ तो कोई ऐसी सब्ज़ी बनाओ जो रसीली वगैरह हो या फिर पनीर वगैरह हो तो कोई खा लेगा, नहीं तो वैसे सूखी सब्ज़ी कोई भी पसंद नहीं करता। तो मोस्टली ऑप्शंस यही रह जाते हैं, या तो दाल चावल बना लेती हूँ, दाल रोटी बना लेती हूँ, कई बार आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, जो भी मतलब रसीली सब्ज़ियाँ होती हैं। तो दाल मैंने चढ़ा दी है और अब मैंने चावल ले लिए, तो चावलों को भी सुखा दूँगी। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मतलब मैं कितना डार्क दिखाई दे रही हूँ ना, पता नहीं इस साइड में ना, मेरे घर में ना थोड़ा सा ट्यूब एक ही पड़ती है, तो उस वजह से है ना बिल्कुल भी साफ़ है ना दिखाई नहीं देता, और पता नहीं क्यों कैप्चर क्यों नहीं करता और अजीब सा ही करता है। और एक गर्मी के कारण सच में मतलब बुरा हाल भी हो रखा है, फेस की रौनक ही उड़ी हुई है और अंधेरा रहता है। अब तो ये बैक कैमरे से फिर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, अगर मैं फ्रंट कैमरे से शूट करूँ ना तो दिखे ही ना, थोड़ा सा अंधेरा सा रहता है, तो मुझे करना पड़ेगा लाइटिंग का अपना ना। और चावल मैंने धो के साफ़ करके चढ़ा दिए हैं, खुले चावल बनाती हूँ, काफ़ी अच्छे होते हैं, बादी नहीं होती हैं, मोटे नहीं होते हैं, और दाल वगैरह सब रेडी हो रही है। तो इतने में बस अपने प्याज टमाटर वगैरह ये सब काट कूट के रख लूँगी, जिससे बस दाल छोकनी बाकी रह जाएगी और मुझे कुछ नहीं करना आज खाने में ज़्यादा। और बस अब यहाँ पे मैं हॉल में भी, क्योंकि तनु तो बाहर घूम रहा है और मेरा, मैंने कहा चलो खाना पीना हो गया है, बन रहा है इतने, मैं जोतबाती कर देती हूँ, तो बस वही अब मैं जोतबाती करने के बाद ही आप लोगों को मिलती हूँ। तो मैं अब इस कमरे में आ गई हूँ फ्री होके, मैंने अभी छोकी नहीं है दाल, और बस इस कमरे में आ गई, मैंने कहा पर्दे वगैरह कर देती हूँ, फिर आपसे फुर्सत में बैठ के बातें करूँगी। दूध लेने गई थी, दूध लेके भी आ गई हूँ, और कपड़े पड़े हैं मेरे, इनको फोल्ड करना है क्योंकि आज मैंने मशीन लगाई थी। तो अभी मैं जोतबाती करके आ चुकी हूँ, फैन ऑन कर रखा है मैंने, प्लीज थोड़ी सी लिपस्टिक फैल गई। तो अभी बस दाल छोकनी बाकी है, आपके सामने मैंने प्याज टमाटर सब कुछ काट दिए हैं। बाल आप सोचोगे इतनी गर्मी में क्यों बाल खोल रखे, एक्चुअली मैं फैन के नीचे बैठी हूँ ना, तो मैंने कहा चलो इतने ना बाल भी थोड़े से ना सूख जाएंगे, पसीने से ना कुछ अजीब से हो रहे हैं बाल, सो इसीलिए मैंने ना खोल लिए, मैंने कहा चलो थोड़ी देर इन्हें भी चैन मिल जाएगा, बंधे हुए हैं सुबह से ही और बाल भी निकल रहे हैं, बरसात में पता नहीं क्या सबके बाल निकलते हैं मेरे ख्याल से ना। तो अभी मेरे को आप लोगों को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देनी है, मैं बहुत देर से सोचू अब्दू पर टाइम ही नहीं लग रहा था, और तो मैं आपको बता दूं, और आप पहले मुझे ना क्या करो, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो जल्दी 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 कमेंट में लिख के लिखो फटाफट से, कॉन्ग्रेचुलेशन दी ऐसे लिखो, क्योंकि खुशखबरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी है और आपके लिए भी होगी, 100% होगी, जो मेरे से अटैच्ड है ना तो उनके लिए भी 100% बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो लिखा आपने, कितने जनों ने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ है, चलो आप पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं, एक ब्लॉग है, बहुत पुराना ब्लॉग है, कुछ बर्थडे करके ब्लॉग है, चलो लिंक दे दूंगी, तो मैं आपको अपनी सिस्टर इन लॉ दिखा पाऊंगी उसमें। तो वो एक्चुअली वो प्रेग्नेंट थी, तो समझ ही गए होंगे आप, तो वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने आज सुबह ही सुबह आई थिंक 10 बजे तक, हाँ 10 नहीं नहीं 11 बजे को मेरे को खबर मिली थी, तो उन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है, तो मतलब जन्माष्टमी के दिन और छोटा सा नन्हा सा काना हमारे घर में आया है, मैं मामी बन गई हूँ दोबारा, क्योंकि उनका एक और बेबी है वो भी बॉय है और सेकंड वाला भी बॉय हुआ है, बस मुझे उम्मीद थी यार कि एक लड़की हो जाए, उनको भी यही उम्मीद थी कि एक लड़की हो जाए तो बहन भाई की जोड़ी बन जाएगी, पर चलो कुछ कोई नहीं, तो और भी ज्यादा खुशखबरी है कि कान्हा जी के टाइम पर, कृष्ण जी के टाइम पे, उनके जन्म के टाइम पर ही हमारे घर में एक छोटे से कान्हा का जन्म हुआ है, जो बहुत बड़ी खुशखबरी भी है और भगवान बस
उसको अच्छी मतलब सेहत दे, हर चीज दे भगवान। बस मैं मिल नहीं पा रही हूँ, अभी फोटो का वेट कर रही हूँ, तो देखे कब तक हम फोटो मिल पाती है मुझे। तो क्योंकि वो थोड़ा सा मेरी जो सिस्टर लॉ के घर में है ना, वो थोड़े से ऐसे सोशल एक्टिव कम है, तो अभी देखते हैं कब तक फोटो मिलती है। तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, मतलब बहुत खुशी मिली। मैंने बहुत कॉल घुमा घुमा के सब जगह बता दिया, जो जो भी थे गांव में बताया, मैंने अपनी चाची सास को बताया, मतलब बहुत जिनको इनको बताया फोन करके कि हाँ आप मामा बन गए हैं। और तनु तो बड़ा खुश हो रहा था, मम्मी मेरा क्या हो, मैं क्या लगूंगा, मैं क्या लगूंगा। मैंने कहा आप भाई लगोगे बेटा, वो आपका छोटा भाई है। तो मतलब बहुत खुशी हुई, होता है यार एक अलग सी खुशी होती है। जब उनके पहला हुआ था ना, तो भी बहुत मैं गई थी उनके, आई थिंक छठी में गई थी, तो बहुत सारी गिफ्ट और वो सब लेके गई थी। बड़ा ही जब पहली बार गोद में लिया था, बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और अब पता नहीं सेकंड वाले को कब मिलेगा मुझे गोद में। मेरी और मेरी सिस्टर इन लॉ का जो बॉन्ड है ना, वो बहुत अच्छा है। हम शायद ननंद भाभी का तो हैं, बट हमारा मेरा और उसका रिश्ता मतलब ऐसा लगा लो कि वो मेरी छोटी बहन है। मैं उसे डांट भी सकती हूँ, मैं उसे धमका भी सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। और वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है, मैं भी उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और मतलब बहुत अच्छा, जब कभी मिलेंगी तो मैं जरूर आपको मिलवाऊंगी। बहुत अच्छा बॉन्ड है मेरे ससुराल की तरफ, मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है सबके साथ। तो मैं तो बस जल्दी से कर रही हूँ कि कोई ना कोई ऐसा ओकेजन आ जाए कि हम सब इकट्ठे हो जाए और हम आप सबसे उनको मतलब मिलवाऊं। मैं बहुत मन करता है सच में, अब तो बहुत मन करता है। और पता है मेरी फ्रेंड भी वेट कर रही है कि कब तू दिल्ली आएगी और कब मेरे से मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है, तेरे से भी मिलूंगी, उससे भी मैं मिलवाऊंगी आपको। तो चलो, इतनी बड़ी गुड न्यूज सुन के आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और प्लीज उसको खूब सारी ब्लेसिंग देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना। एक छोटा सा काना हमारे घर में आया है, उसको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। तो चलो, ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। सॉरी कुछ मीठा नहीं बना पाई, पर कोई बात नहीं, आप लोग खा रहे होंगे, ऑब्वियसली खा रहे होंगे, क्योंकि कान्हा जी का जन्मदिन है, वो जन्म हुआ है, सबके घर में कुछ ना कुछ बन रहा होगा। मेरे घर में आज नहीं बना है कुछ भी, तो चलो कोई बात नहीं। आप लोग अपने अपने घर में से जरा एक एक बर्फी उठा के अपना अपना मुंह मीठा जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत सारी ब्लेसिंग मिलनी चाहिए मुझे। चलो बाय बाय।